स्वागत हो रफ कैसे हैं आप आज हम आपको बताएंगे कि बिना किसी औषधि के बिना किसी दवा के बिना किसी होम्योपैथी मेडिसिन के बिना किसी आयुर्वेदिक उपचार के बिना किसी कपालभाति और भस्त्रिका के बिना किसी आसन और व्यायाम के आप लोगों को कुछ ऐसी विधि सिखाएंगे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि जिससे आप अपने अधिकांशतः रोगों को दूर कर सकें अब मैं जो विधि बताने जा रहा हूं और किस तरह से करें उसके लिए और इस तरह से करें कि जिससे आपके अंदर के जो ऑर्गन हैं आपके अंदर के जो पार्ट्स हैं आपके अंदर के जो कोशिकाएं हैं जो ऊतक हैं टिश्यूज़ हैं सेल्स हैं मसल्स हैं बोन्स हैं और स्किन टिश्यूज़ हैं वो स्वस्थ हो जाएं, वो एक्टिव हो जाए देखिए सब ऊर्जा का ही खेल है जो लोग हमारी फेसबुक पर या रील देखें वो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ट्रीटमेंट फुल वीडियो में आपके लिए दिखाई देगा यूट्यूब की वीडियो तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम अपने बॉडी ऑर्गन को हम अपने बॉडी हार्ट को लीवर को किडनी को आँखों को इन सब के कुछ पॉइंट्स होते हैं क्या होते हैं पॉइंट्स होते हैं कुछ चिन्ह होते हैं जहाँ पर प्रभाव पड़ने से आँखों की रोशनी मेंटेन रहेगी आपके लीवर मेंटेन रहेगा हेपेटाइटिस अपेंडिक्स जैसी बीमारियाँ होने लगती हैं किडनी डीएक्टिवेट होने लगती हैं किडनी का जो प्रोसेसिंग है तो ये शरीर चल रहा है ऊर्जा से ऊर्जा दिखाई नहीं देती है दिखाई देता है ब्लड सर्कुलेशन हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है यदि वो ठीक रहेगा उसमें नियमितता रहेगी और उसमें गंदगी रुकेगी नहीं तो निश्चित रूप से बड़ी से बड़ी बीमारियां चाहे वो कैंसर हो खुजली हो दात खात खुजली हो या हमारे जो अंग हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं शिथिल होने लगते हैं वो सब बंद हो जाएंगे अर्थात वो एक्टिव हो जाएंगे तो कैसे तर्जन क्रिया तर्जन तो आपके लिए हमारे पहले से ही लोग ताली बजाने का काम करते थे भजन कीर्तन में आपने देखा होगा तो ताली को किस तरह से बजाएं ताली को किस तरह से बजाएं और ये ताली बजाना कोई मजाक बात नहीं हंसी में मत लेना क्योंकि मेरा कुछ भी सिखाया हुआ हंसी के लिए नहीं होता है कॉमेडी के लिए नहीं होता है वो आपके वो कॉमेडी नहीं ये रिमेडी है तो ताली को आपको बजाना है आपको एक उदाहरण देते हैं आपने देखा होगा बहुत कम जो छक्के लोग होते हैं जो किन्नर लोग होते हैं जो हिजड़े लोग होते हैं जो नपुंसक लोग होते हैं उनको नपुंसक वो नहीं जो हथियार को हिला करके साले नामर्द हो गए नपुंसक वो जो प्राकृतिक रूप से जो है जिनके शारीरिक संरचना बच्चे पैदा करने की नहीं है अर्थात लिंग छोटा सा मूतने भर के लिए है योनि का छोटा सा छिद्र है केवल पेशाब करने भर को बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं तो नर नर हिजड़ा और मादा हिजड़ा दो तरह के होते हैं उसमें बाइरेटिव है इन लोगों को आपने जल्दी बीमार पड़ते हुए नहीं देखा होगा कि अस्पतालों में कोई हिजड़ा पड़ा हुआ है या कुछ अब बुढ़ापे में कुछ हो जाए थोड़ा बहुत लेकिन हम लोग जवान होकर के भी देखो कतारों में लगे हुए अस्पतालों में जा कर के तो ये चीज़ हिजड़ों से आपको सीखना चाहिए ताली बजाना समझ रहे हैं तो ताली आप बजाएंगे ये उंगली पांच तत्वों की निशानी है ऐसे करके जुड़े हुए ताली को ऐसे स्टाइल में बजाना है मैं कई स्टाइल बताऊंगा आपको और इतनी कितनी बार बजाना है ऐसे ऐसे हाथ करके बजाओ और खड़े होके बजाइए बैठ के नहीं मैंने तो वीडियो बना रहा हूँ तो दिखाना पड़ेगा मजबूरी है नहीं तो बड़ा स्टैंड लगाना पड़ेगा इस तरह से तो इससे तुम्हारी ये बॉडी बनेगी क्या बनेगी ये बनेगी और ये तुम्हारे कंधे बनेंगे जो कंधे के मसल्स होते हैं ना ये उठेगा और भी बहुत कुछ उठेगा तुम्हारा ये भी चलेंगे तुम्हारे बुब्स चलेंगे ये बुब्स होते हैं ये भी होंगे तो ये भी चलेगा ये इस तरह से चलाइए पूरा जिम का सेटअप बना दूंगा तुम्हारे लिए और कितनी बार कम से कम सौ बार मारिए ताली को इस तरह से ऐसे ऐसे नहीं करना है ये पांच पांचों उंगली इस तरह जब थक जाओ तो इसके बाद में आपको और इससे तुम्हारे ये चेस्ट बनेगा तो लोग करके दिखाते हैं ना किसी किसी पिक्चर में देखा होगा कि वो अपने बोब्स चलाते हैं मुझे मैंने भी सोचा क्या ये एक्टिंग करते हैं ये तो मैंने सोचा मैं चला सकता हूँ नहीं तो मैंने भी देखा चला करके देखो चल रहे हैं ना तो इससे क्या एक्सरसाइज होती है अंदर कोई गांठ नहीं बनती है यहाँ पर जो है इस चलाने से क्योंकि प्रेशर पड़ता है है ना इसके बाद में आपको क्या है साइड से करना है इस तरह से साइड से ऐसे हथेली को जोड़ लो ये लीवर से जुड़ा हुआ ये जो है सिस्टम है अतड़ियों से लीवर से जुड़ा हुआ तो ऐसे वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये कराची चौप है तो इस तरह से इस तरह से मारिए ठीक है ये इस तरह से ये कितनी बार ये कम से कम सौ बार स्टार्टिंग धीरे धीरे कर लो लेकिन लास्ट में सौ बार तक ले जाना है आपको ठीक है इस तरह से खड़े होके ही करना है देखिए ये कैसे निकल आते हैं इससे देखिए वन टी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टाइम इस तरह से करिए पावर आ जाएगा इसमें पूरा पूरा शरीर वाइब्रेट हो जाएगा तुम्हारे जो पॉइंट्स हर पॉइंट्स वाइब्रेट हो जाएंगे समझ रहे हैं इसके अलावा क्या है अगर आपके यूट्रस में दिक्कत है या सेक्सुअल एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं आपके अंदर जोश नहीं बनता है तनाव नहीं बनता है हालांकि इस पर मैंने तूफ़ानी चूर्ण और अल्ट्रा तूफ़ानी और सुपर तूफ़ानी जैसे चूर्ण हमने बनवा रखे हैं वो लोग सेवा में जाते हैं लेकिन वो थोड़े कॉस्टली है इसलिए हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसके लिए हम निःशुल्क उपाय बता रहे हैं तो ये शुक्र पर्वत होता है ये ज्योतिष के अनुसार शुक्र होता है तो ऐसे नहीं बताया इसके अंदर शुक्र अर्थात आपके नाभि चक्र के नीचे का स्थान होता है और किडनी भी होती है इसमें साथ में लीवर किडनी सब तो इसको इस तरह से वन टू तो थ्री माने यही अंगूठे के अंगूठे वाला जो इस वो एक इसको वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसको ऐसे ऐसे नहीं माना इसके हाथ ऐसे कर लो तभी प्रेशर पड़ेगा वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन नाइन ये केवल पच्चीस से पचास बार इसके बाद में क्या है आपको इनका करना है ये जो उंगलियों के जो पॉइंट्स हैं इनको इस तरह से करना है वन टू थ्री फोर इससे दो फायदे हैं। इसको हो रहा है और जो बीच का स्थान बचा हुआ है जो अन्य सिस्टम को एक्टिव करता है है ना उसके लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिर इधर से वन टू थ्री फोर फाइव उंगली में अंगूठी निकाल देना ठीक है नहीं तो चोट लगेगी तो ये आपको तीन प्रोसेसिंग हमने बताया और इस तरह से आप कर सकते हैं जैसे आपने खड़े होके ही करना है मजा आएगा इसको कितनी बार करना है इसको भी आपको बीस बीस बार करना है इस तरह से आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से और ये वाली जो तरीका इसको तो दो सौ